शहद इकलौता ऐसा पदार्थ है जिसकी रासायनिक बनावट लगभग इंसान के खून की तरह है। इसका सेवन अलग अलग तरीके से करते हैं जिससे हमारे शरीर को अलग अलग फायदा मिलता है। खून का रासायनिक बनावट और शहद का रासायनिक बनावट लगभग समान है, इसीलिए खून की रासायनिक बनावट को संतुलन रखना और खून को शुद्ध रखना ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह एक अद्भुत आहार है। दोस्तों, कर्नाटक के कुछ जनजातियां हैं जिन्हें जेनुकुर्बा कहते हैं। जेनुकुर्बा यानी शहद इकट्ठा करने वाले। उनका आहार कुछ ऐसा है, सुबह सबसे पहले वह शहद को एक बांस के गिलास में लेते हैं और करीब 3/4 लीटर शहद का सेवन करते हैं। वे लोग सुबह 3/4 लीटर शहद पीते हैं और जंगल चले जाते हैं। एक दिन में आसानी से वे 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और कम से कम 50 पेड़ों पर चढ़ते और उतरते हैं। शाम तक कुछ और नहीं खाते। शहद निकालते वक्त जो भी उनके हाथों में लगता है उसे वे चाट लेते हैं। तो एक दिन में आप 1 से 1.5 लीटर शहद का सेवन कर रहे हैं। जब आप शाम में वापस आते हैं तो कुछ अनाज होता है, आमतौर पर इसे जोला कहते हैं। ये ज्वार है, ये मक्के जैसा होता है। उनका रोज़ का मुख्य भोजन शहद है। वे लोग 3/4 शहद पीते हैं और पूरे दिन इतने सक्रिय रहते हैं लेकिन भूख नहीं लगती है। वे ऐसे ही ऊर्जा से भरे रहते हैं। शहद उन सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक खुशहाली, जीवन शक्ति, इन सभी चीज़ों को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है सिर्फ रोज़ाना शहद के सेवन से। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शहद के फायदे क्या क्या हैं। शहद की संरचना लगभग हमारे ब्लड की संरचना के समान है। अगर हम शहद से कुछ चीज़ें निकाल दें तो शहद लगभग खून जैसा होता है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वह लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है, या आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है। यह आपके मन को सतर्क रखता है और बहुत ऊर्जा देता है। हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है, खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज़ शहद का सेवन करना चाहिए। ये उनके बुद्धि और विकास के लिए अच्छा है। सफ़ेद कद्दू भी ऐसा ही है। सफ़ेद कद्दू और शहद दोनों चीज़ें एक साथ मिलाकर बच्चों के लिए एक शानदार आहार है। उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम शहद का सेवन कैसे करें या हमें शहद का सेवन कैसे करना चाहिए। अगर आप शहद को पकाते हैं तो वो जहरीला बन जाएगा। शहद को पकाया नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग इसे पका कर ले रहे हैं, केक और दूसरी चीज़ों को पका कर ले रहे हैं जिसमें वह शहद को डालते हैं और उन्हें पकाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप इसे पकाते हैं तो शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है। आपको इसे हल्के गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक प्रकार का एंजाइम तैयार करता है जो शहद में एक खास तरह का बर्ताव करता है, जिससे हमारे शरीर में वज़न हटाने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर आप इसे ठंडी पानी में डालते हैं और इसका सेवन करते हैं तो इसमें वज़न बढ़ाने की प्रवृत्ति आती है। ये आपके शरीर में जो सोखने की प्रक्रिया है, जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, उसको तेज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वज़न बढ़ता है। शहद का हमारे शरीर पर अलग अलग असर होता है। अगर इसका यूं ही सेवन किया जाए, इसका एक तरह का असर होता है।
अगर इसे ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो इसका अलग असर होता है। इसका सेवन गर्म पानी के साथ करते हैं तो इसका अलग असर हमारे शरीर पर होगा। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, एनीमिक का मतलब किसी के शरीर में लौह तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो गई है तो इसे दूर करना है तो हम शहद का सेवन कर सकते हैं। आपके शरीर की मजबूती अगर कम हो गई है, आप थकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के, क्योंकि ज़रूरी लौह तत्व या लोहा आयरन हमारे शरीर में नहीं है, जिसकी वजह से हमें भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती है और हमारे दिमाग के जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हमारे शरीर का, हमारे दिल का और हमारे मस्तिष्क का जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाता है। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को जो ज़रूरी ऑक्सीजन है वो आयरन तत्व की कमी की वजह से या लोहे की कमी की वजह से नहीं मिल पाता है। तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज़ है शहद। आप रोज़ाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी RBC की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर खून में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा, अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की प्रणाली बेहतर है, जो हमारे शरीर में डेड सेल्स हैं वो जल्दी बदल जाएंगी, शरीर से आलस दूर हो जाएगा, हमारा मन आलसी नहीं रहेगा। जो योगाभ्यास करने वाले लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। खून को शुद्ध रखना, खून की केमिस्ट्री को बनाए रखना, ये शहद के नियमित सेवन से ज़रूर संभव है।